सोफी नाम की लड़की देखती है कि एक बड़ा राक्षस उसके घर की ओर आ रहा है, जिसे देखकर ये लड़की डर जाती है और अपने बिस्तर में छुप जाती है। लेकिन ये जायंट राक्षस अपना हाथ विंडो के अंदर डालकर सोफी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये राक्षस इंसानों के सामने नहीं आता है। ये राक्षस धोखा देने में माहिर है। जब कोई इसके पास से गुजरता है तो ये स्ट्रीट लाइट को बंद कर देता है और अंधेरे में छिप जाता है। अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो ये एक पैर पर खड़ा होकर किसी पेड़ की तरह बन जाता है। ये राक्षस लड़की को पहाड़ों और समुद्रों के पार ले जाता है और अंत में ये राक्षस इस लड़की को एक बहुत बड़ी गुफा में ले आता है, जहाँ ये इस लड़की को एक पेड़ की टहनी पर लटका देता है। सोफी देखती है कि राक्षस अपने चाकू की धार को तेज कर रहा होता है, इसलिए सोफी विंडो से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो राक्षस उसे अपने पैन में गिरा लेता है। सोफी उससे भीख मांगती है कि वो उसे न खाए, लेकिन वो राक्षस लड़की के चेहरे को देखकर हंसने लगता है और सोफी को कहता है कि यहाँ और भी बहुत सारे राक्षस हैं जो कि इंसानों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। तभी अचानक एक बड़े राक्षस को इंसानी गंध आ जाती है, इसलिए वो गुफा में आता है और चारों ओर देखने लगता है। सोफी उस राक्षस से बचने के लिए जल्दी से एक बड़े साइज के कद्दू में छुप जाती है।